सब्सक्राइब करें indiabud.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको सिंडिकेट बैंक के पीओ के वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो पीजीडीबीएफ कोर्स के थ्रू है, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी और नीट यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया गया है सिंडिकेट बैंक के द्वारा, तो उससे आपको ये रिक्रूटमेंट होगा। तो इस वीडियो का पूरा देखते रहें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हम शॉर्ट डिटेल्स देखने वाले हैं, इसमें शेड्यूल ऑफ इवेंट्स देखने वाले हैं, नंबर ऑफ इंटेक्स क्या है वो पता चलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए, फिर एज क्राइटेरिया क्या है, फिर एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और कोर्स फीस। तो इतने सारे हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो जल्दी से आप हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले शॉर्ट डिटेल्स में बात करते हैं। तो जो ये कोर्स जो है, ये सबसे पहले इसमें एडमिशन होगा आपका एक साल के लिए। तो पीजीडीबीएफ कोर्स है, जिसका होता है फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये कोर्स जो कि है, जो टाइप किया गया है मणिपाल ग्लोबल एडुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, और नीट यूनिवर्सिटी जो है कि नीट एडुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, तो इससे टाइप किया गया है। तो इसमें आपको ये कोर्स करवाया जाएगा एक साल के लिए। जब आप इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, एक जो भी टाइम पीरियड एक साल का है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा सिंडिकेट बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड वन स्केल में। स्केल वन होगा इसमें। इसके बाद आप शेड्यूल ऑफ इवेंट्स पे नजर डालें। तो सबसे पहले जो स्टार्ट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो इसका शुरू हो चुका है 2nd January 2018 से। ऑनलाइन पेमेंट जो होगा वो भी शुरू हो चुका है 2nd January 2018 तक, और लास्ट डेट है 7th January 2018। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 17th January 2018 ही है, और कॉल लेटर जो कि होगा एडमिट कार्ड वो आप डाउनलोड कर पाएंगे 5 February 2018 के बाद। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो अभी तक जो शेड्यूल्ड टाइम है वो है 18th February 2018। इसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वैसे बदलाव के चांसेस बहुत कभी कम होते हैं। वह आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम 18th February 2018 को ही होगा। अब नंबर ऑफ इंटेक्स की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इंटेक्स है वो है 252, OBC कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ इंटेक्स 135, SC कैटेगरी के लिए 75 और ST कैटेगरी के लिए 38, मतलब टोटल पोस्ट जो है इस बार वो है 500। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन डिग्री इसके लिए चाहिए इस पोस्ट के लिए, जो कि 1 October 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए सेप्टेम्बर, मतलब 30 September 2017 तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो डिग्री एज ऑन 1 October 2017 आपकी होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री में 60% होना चाहिए, और SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% होना चाहिए। अब एज क्राइटेरिया की बात करें, तो एज भी जो देखा जाएगा वो 1 October 2017 एज ऑन डेट देखा जाएगा। तो इस समय तक आपका क्या होना चाहिए, तो मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 20 ईयर्स का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 28 ईयर्स होना चाहिए। अब उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो इसमें देखते हैं। तो SC और ST कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो है 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 ईयर्स, J&K डोमिसाइल ड्यूरिंग 1980 and 31/12/1989 इनके लिए 5 ईयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स जो कि है 5 ईयर्स, और PWD के लिए 3 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है PWD SC and ST के लिए, उसके लिए 15 ईयर्स, PWD OBC कैटेगरी के लिए 13 ईयर्स, और PWD जनरल कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स। तो ये सारे एज रिलैक्सेशन हैं, वो अपर एज लिमिट में है, लोअर एज लिमिट में नहीं है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी और अदर्स के लिए, जिसमें OBC आएंगे, एक सर्विसमैन आएंगे, इनके लिए टोटल है ₹600, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है एप्लीकेशन फी है वो है ₹100, जो कि इंटीमेशन चार्ज होता है।
अब इम्पॉर्टेंट डेट्स पे देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, जो कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, तो वेबसाइट का लिंक जो ओपन रहेगा वो 2 जनवरी 2018 से लेकर 17 जनवरी 2018 तक ओपन रहेगा। एग्जामिनेशन की जो डेट अभी तक है वो है फिलहाल 18 फेब्रुआरी 2018, तो आप इसी दिन आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दो राउंड का सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट और सेकंड है इंटरव्यू एंड और ग्रुप डिस्कशन। तो फर्स्ट में ऑनलाइन टेस्ट में आपको दो कैटेगरी होगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। इंटरव्यू और जीडी में क्या है कि इंटरव्यू भी पास हो सकता है और जीडी साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इस पर फाइनल डिसीजन आपको बाद में लिया जाएगा। फिलहाल इंटरव्यू तो कन्फर्म है और जीडी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि ऑनलाइन टेस्ट है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। चारों सेक्शन से 50 क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 50 50 और 50 है, तो पर क्वेश्चन आपको +1 मिलेगा। कॉम्पोजिट टाइम जो है टोटल टाइम 2 आवर्स का है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है इस एग्जाम के लिए। और ये जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसी दिन जब 2 आवर खत्म होगा उसके बाद एक पेपर और होगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा और ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 50। इसका जो कॉम्पोजिट टाइम जो दिया गया है वो है 30 मिनट्स का और ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये भी ऑनलाइन होगा। ये पेपर बस क्वालिफाइंग पर्पस के लिए है, तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% एटलीस्ट लाना पड़ेगा और अदर कैटेगरीज के लिए 45% लाना होगा। ये पेपर तभी चेक होगा जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि पहले आपने इसे जस्ट दिया है वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही इस पेपर को चेक किया जाएगा। अब पर्सनल इंटरव्यूज और जीडी की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यूज और जीडी के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे वो 5 टाइम्स होंगे, मतलब ईच कैटेगरी में आपको टोटल पोस्ट 500 हैं, तो 500 × 5 2500 कैंडिडेट्स को टोटल इंटरव्यू और जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। और ये टोटल नहीं होगा, ये ऐसे होगा कि हर कैटेगरी में, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 100 है तो उसके लिए 100 × 5, तो इस तरह से ही टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे वो 5 होंगे और ये भी असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में लिस्ट बनाया जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में बनाया जाएगा और सेलेक्ट जो किया जाएगा ऊपर के जो भी टोटल पोस्ट है उसका 5 करके उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा जीडी और पीआई के लिए। अब बात करते हैं कोर्स फीस की। तो हाँ, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा, इसको इसके लिए आपके बाद आपके पास 1 साल का टाइम होगा। 1 साल में आपको कोर्स ये करना है, तो ये जो कोर्स है इसकी टोटल फीस जो है 3.5 लाख है। और इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें बोर्डिंग चार्जेस इंक्लूडेड होगा, इसमें लॉजिंग चार्जेस इंक्लूडेड होगा और इसमें कोर्स फीस और अदर फीस भी इंक्लूडेड होगी, प्लस टैक्सेस आपको अलग से देने होंगे। इसके बाद कोर्स फीस के बाद जो एग्ज़ाम फीस होता है, जो कि वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं जैसे कि NISM जो एग्ज़ाम होता है म्यूचुअल फंड के लिए और NISM जो एग्ज़ाम होता है डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए, ये अलग से आपको कैंडिडेट को ही बॉर्न करना पड़ेगा। तो जो कि टाइम टू टाइम NISM का जो फीस है वो चेंज होता रहता है। तो करेंटली जो NISM की फीस है म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जो है उसकी फीस है 3000 पर कैंडिडेट। तो आप इतना कुछ जान लीजिए कि आपको इतना फी पे करना है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इस कोर्स से में आपको एडमिशन लेना होगा, 1 साल आपको पढ़ना होगा और सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको एक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी एज अ PO सिंडिकेट बैंक के अंदर। तो काफ़ी PSU बैंक्स जो हैं उन्होंने अब ये एग्ज़ाम इस तरह का करना शुरू कर दिया है, काफ़ी इंस्टीट्यूट ने टाई अप करना शुरू कर दिया वेरियस अदर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर वो 1 साल का ट्रेनिंग देते हैं और 1 साल के बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो ये उसी में एक बैंक सिंडिकेट बैंक भी है, तो आप अच्छे से इसके बारे में डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा जो स्क्रीन पे दिया हुआ है
और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें आपके कोई भी क्वेरीज हो तो, और हमें फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे सभी पे फॉलो करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।